दूसरी एक्टिविटी में आपका फिर से स्वागत है। मैं अपने सहयोगी श्री अनिल जी को प्रार्थना करूंगा कि मेरे सामने कुछ अपरेटसेस और केमिकल्स रखे हैं, कृपया इनकी तरफ फोकस करें। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप पड़ी है, आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट, इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अलग अलग कलर्स बने हैं और इसके ऊपर गिनती 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो नंबरिंग है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और 14 लिखा, और आप इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने चार केमिकल्स रखे हैं, ए बी सी और डी। इनके आगे मैंने क्लियर करके स्क्रीन के ऊपर वॉच क्लास रखे हैं। केमिकल ए के सामने एक वॉच क्लास है जिसे मैंने ए के नाम दिया है, केमिकल बी के सामने भी एक वॉच क्लास है, इसी तरह से केमिकल सी और केमिकल डी के आगे भी एक वॉच क्लास रखा है। मैं इस स्ट्रिप में से एक पेपर उठाऊंगा और कुछ ड्रॉप्स केमिकल्स की ए बी सी और डी से इन वॉच क्लास के ऊपर डालूंगा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन अलग अलग केमिकल्स का पीएच क्या है और सबसे बड़ी बात उनकी केमिकल नेचर कैसी है, क्या वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं, एम्फोटेरिक हैं या वो न्यूट्रल हैं, आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ए वॉच ग्लास में एक स्ट्रिप डाल दी, बी में एक स्ट्रिप डाल दी, इसी तरीके से सी वॉच ग्लास में और डी वॉच ग्लास में मैंने एक एक स्ट्रिप जो है पेपर की डाल दी है। इसके बाद ए सॉल्यूशन में से मैंने कुछ ड्रॉप्स ली हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ड्रॉप्स डाली हैं तो इस पीएच पेपर का जो कलर है वो चेंज हो गया। मैं अपने सहयोगी को रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको ध्यान से देखें किस कलर का ये रंग इसका पीएच पेपर का हो चुका है। इसके बाद मैं केमिकल बी में से कुछ ड्रॉप्स उठाऊंगा सॉल्यूशन से और इस स्ट्रिप्स के ऊपर फेंकूंगा। मैं फिर से सहयोगी से अपना अनुरोध करूंगा कि आप इसका कलर ध्यान से बताएं कि किस रंग की ये स्ट्रिप हो गई है। अब इसी तरीके से सी सॉल्यूशन में से मैंने कुछ ड्रॉप्स ली हैं और ये सी वॉच ग्लास के ऊपर मैंने इसको फिर से फेंका है, आप देख सकते हैं इसका कलर फिर से चेंज हो चुका है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका पीएच क्या हो सकता है और इसकी केमिकल नेचर क्या हो सकती है। इसी तरीके से ये सॉल्यूशन डी जो है यहाँ से मैंने कुछ ड्रॉप्स ली हैं और इसके ऊपर भी मैंने पीएच पेपर के ऊपर इनको फेंक दिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इन केमिकल्स को देखें कि ए बी सी और डी जो वॉच ग्लासेस हैं उसमें क्या चेंज आया है। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार पीएच स्ट्रिप के कलर्स को एक बार पुनः देखें, इसके ऊपर कलर कोड और मार्किंग हुई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन ए में जो चेंज आया है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, सॉल्यूशन बी में जो चेंज आया है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, सॉल्यूशन सी में क्या चेंज है आप उसे भी देख सकते हैं और सॉल्यूशन डी में क्या चेंज आया है आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये तीनों चारों एक्सपेरिमेंट जो हैं आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं। मुझे विश्वास है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि किस केमिकल की क्या नेचर है और उसका क्या पीएच है। आपने पीएच और उसकी केमिकल नेचर दोनों मेंशन करनी है इस एक्टिविटी में। धन्यवाद।